पाकिस्तान की जनता से बड़े बड़े वादे करने वाले पीएम इमरान खान की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। हाल ही में नए प्रधानमंत्री ने देश की गिरती हुई अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए वीआईपी कल्चर को खत्म करने की बात कही थी। साथ ही ये भी कहा था कि वह पीएम आवास का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन महज एक महीने में ही पीएम के ये वादे खोखले होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार इमरान खान रोज पीएम आवास से अपने घर हेलीकॉप्टर से जाते हैं। इतना ही नहीं, उनकी ओर से इस बात का भी दावा किया गया है कि कार की तुलना में हेलीकॉप्टर का सफर किफायती है। इमरान की कैबिनेट के सूचना प्रसारण मंत्री फवाद चौधरी ने एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए पाक सरकार की पोल खोल दी। साथ ही चौंकाने वाला बयान दिया कि पीएम इसलिए हेलीकॉप्टर का उपयोग करते हैं क्योंकि उन्हें 55 रुपया पाकिस्तानी मुद्रा प्रति किलोमीटर का खर्च आता है, जो कार की तुलना में बेहद कम है। वहीं उन्होंने कहा, कार से अगर पीएम घर जाते हैं तो उनका घर करीब 17 किलोमीटर पड़ता है, जिसमें 30 मिनट का समय लगता है। साथ ही पीएम के काफिले के साथ अन्य कारें भी चलती हैं, जिसमें करीब 750 रुपए प्रति किलोमीटर का खर्च आता है। पाक सरकार के मंत्री फवाद चौधरी ने कहा कि वह पीएम है, उनकी मर्जी के अनुसार किसी भी सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं। चौधरी ने कहा कि अगर पीएम का काफिला सड़क से गुजरेगा तो लोगों को बहुत परेशानी होती है, इसी वजह से वह 15 सीटर विमान से अपने घर जाते हैं। हालांकि चौधरी के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर दोनों की जमकर खिल्लियां उड़ाई जा रही हैं। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। आगे ऐसी खास खबर देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।